रहूंगा तेरे साथ। क्या कहा है कमाल ने? बोलो शफ़क, क्या कहा है कमाल ने? मम्मी, कमाल को भी मेरी बात पे यकीन नहीं है। मम्मी, अगर कमाल ने मुझे छोड़ दिया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। ऐसा मत बोलो, मैं खुद करती हूँ कमाल से बात। चुप कर। कहाँ जा रही हो तुम? जब तक तुम अपना जुर्म कबूल नहीं कर लेते या मुझसे माफी नहीं मांग लेते, मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रह सकती। उस्मान आ गया घर वापस? जी आ गया, लेकिन अब उस पर गुस्सा मत कीजिएगा। कैसे ना गुस्सा करूं उसे? बिगाड़ कर रख दिया तुमने उसे। हमीद साहब, क्या बिगाड़ दिया मैंने उसे? तुमने नहीं बिगाड़ा ना तो तुमने सुधारा भी नहीं उसे। उसे समझाओ, माजी में रहना छोड़ दे, शफक का ख्याल दिल से निकाल दे। अब ये काम मेरे कहने से नहीं होगा। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं हो सकता ना, तो फिर तुम्हें नताशा से उसकी शादी ही नहीं करवानी चाहिए थी। ये उस बच्ची के साथ जुल्म है। क्या जुल्म किया मैंने? हमारे मुआशरे में ऐसे ही होता है, बहुत सारे मर्द तो छुपकर ये काम करते हैं। अगर मेरे बेटे का किस्सा किसी को पता है तो वो बुरा हो गया, सब मिलके उसे ताने देंगे। कैसी बातें कर रही हो नुसरत? ये मत भूलो कि जिस घर से वो आई है ना, उस घर में हमारी बेटी भी है। अगर नताशा को कोई मसला हुआ ना तो नौरीन को भी होगा। इसी बात को लेकर तो मैं परेशान रहती हूँ, वरना नताशा को तो मैं सीधा कर लेती। अब मुझे उसके सामने झुकना पड़ता है। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? देख रहा हूँ नुसरत कि इतने बरसों में तुम पर मेरा कोई भी असर नहीं हुआ। आपने भी मेरी कोई बात नहीं समझी। समझी? तुमने आज तक ऐसी समझदारी की बातें ही कब की हैं जो मैं तुम्हारी बात समझता। अच्छा हमी साहब, अब आप सो जाए, फजर में आंख नहीं खुलती आपकी। मेरे पास आपको वजाहत देने के लिए कुछ नहीं है कमाल। हाँ, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जो कुछ हो रहा है सबाहत की वजह से हो रहा है। अभी तक जाग रहे हैं? नींद नहीं आ रही मुझे। क्यों? शफक का जाना इतना दिल पे ले लिया? शफक हमेशा के लिए नहीं गई है, जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मामला हल होते ही वो इस घर में वापस आ जाएगी। आप आंटी की बात मानने से इनकार कर रहे? बिल्कुल कर रहा हूँ, क्योंकि खुदा के सामने शफक के लिए मैं जवाब दे हूँ, अम्मी नहीं। मैं जाके शफक से बात करूंगा, अगर वो बेकसूर हुई तो मैं उसको इस घर में वापस लेकर आऊंगा किसी की भी परवाह किए बगैर। और अगर वो कसूरवार हुई तो? बोलिए। फिर मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा उसे छोड़ने के अलावा। देखते हैं।
हेलो सवेरा, सो रही थी क्या? देखो मेरी बात गौर से सुनो। शफ़क, तेरी दोस्त सवेरा का फोन है, तुमसे बात करना चाह रही है। अम्मी, मेरा अभी किसी से बात करने को दिल नहीं चाह रहा। आप उससे कहें सुबह फोन कर ले। खैर ये जरूरी बात है, कर लो बात। अच्छा लाए। हेलो। हेलो शफ़क, कैसी हो? कैसे हो सकती हूँ सवेरा? शफ़क बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ, मुझे बहुत दुख है तुम्हारे लिए। दुख तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन अब दुख करने से क्या होगा? दानिश बिल्कुल ठीक है, तुम दानिश की बिल्कुल फिक्र मत करना। सवेरा मुझे बहुत याद आ रहा है। समझ सकती हूँ मैं शफ़क। सुनो, क्या तुम किसी तरह कल दानिश को मुझसे मिलवाने के लिए ला सकती हो? नहीं शफ़क, मेरा नहीं ख्याल कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। दानिश के मामले में तुम्हारी किसी भी मदद से कासिर हूँ मैं। लगता है कि कुछ दिन अपने घर से और दानिश से मुझे दूर रहना पड़ेगा। सवेरा तुम दानिश का ख्याल रखोगी ना? तुम्हें पता है शफ़क, इस घर में तुम्हें तलाक देने की बातें हो रही हैं। क्या, कौन कर रहा है ये बातें? सारे घर वाले कर रहे हैं, बड़ी बेगम साहिबा, सबाहत मैम, कमाल। कमाल भी? हाँ शफ़क, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ सवेरा? तुम्हारे पास बस एक ही हल बचता है अब। वो क्या? साला तुम, कैसे हैं आप भाई? देखो तुम कैसी हो? हम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं जानती हूँ सब कुछ। आपकी सास ने आपको घर से निकाल दिया। तुम्हें किसने बताया? आपकी दोस्त सवेरा ने। मैंने आपसे बात करने के लिए कॉल की थी, उसने अटेंड की और उसने मुझे सब बता दिया। रहा नहीं गया, मैं तो बस फौरन आपसे मिलने आ गई। बताएं मुझे ऐसा क्या हो गया वहां पे, कैसे हुआ? बस जब किस्मत में बुरा होना लिखा होता है ना, तो फिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब मायने नहीं रखता। मेरी किस्मत में लिखा था ये होना, इसीलिए निकाल दिया उन्होंने मुझे घर से। अरे क्या बेगैरत हो गए हो तुम लोग, कोई शर्मो हया है या नहीं? और राबिया तुम तो अपनी बेटियों को भी ना संभाल सकी। आराम से ताई, मोहल्ला है। क्यों ऐसा बोलूं, झूठ बोल रही हूँ क्या? अपनी बहन का किरदार देखो, जब मेरा बेटा उसका मंगेतर था तो उसे अपनी मोहब्बत में पागल किया हुआ था, अब जब शादीशुदा हो गए तो उसे अपने चक्कर में लगाया हुआ है। मेरी बेटी ने उसे पीछे नहीं लगाया, वो खुद गया था वहां।
जी नहीं, शफक ने बुलाया था उसे वहां। ये झूठ है। झूठ है तो नौकरी से निकलवा क्यों नहीं दिया? अरे राबिया, सच तो ये कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह लालची है, शोहर के साथ सिर्फ पैसों की वजह से रह रही है, और मेरे बेटे को अपनी मोहब्बत में अदाओं में उलझाया हुआ है। पूछो अपनी बेटी से, किसने उस्मान को वहां नौकरी के लिए बुलाया था या नहीं? बोलो, चुप क्यों? ओहो, सारा भी आई हुई है। जो बेटी अपनी माँ के मुंह पे कालक मल के चली गई हो, उसे पूरे घर वालों ने अपने सीने से लगा लिया। बहुत ही बेगैरत हो तुम लोग। और तुम्हारी गैरत कहाँ गई खुर्रम? तुम तो कहते थे कि मैं सारा कुछ जान से मार दूंगा। और राबिया, बहुत बातें बनाती थी ना मेरी नौरीन पे, अपने मंगेतर के साथ पूरे शहर में घूमती है। अब अपनी बेटी सारा के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? शर्मो हया घोल के पी गई वो। ताई अम्मी, हमारे घर का मामला। तुम तो चुप करो, तुमने तो अपनी बहन के घर में डाका डाल लिया था। खुदा की कसम, अगर मेरी ऐसी औलाद होती ना राबिया, तो अपने हाथों से उसका गला घोंट देती। तुम्हें तो दाद देने को दिल चाह रहा है, तुम्हारी जो बेहिसी है उस पर। आप इतना हंगामा क्यों कर रही हैं? कहना क्या चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ शफक। कहिए जो कहना था, अब जाओ यहाँ से। अभी तो मैंने जो कुछ कहा है ना, तुम्हारे घर के सहन में कहा है। और अगर तुम्हारी बेटी अपनी हरकतों से बाज ना आई ना, तो बाहर मोहल्ले में खड़े होकर चीख चीख के लोगों को तुम्हारी बेटी का किरदार बताऊंगी मैं। और तुम भी सुन लो शफक, आज के बाद मेरे बेटे को कोई फोन नहीं करना, वरना उसी वक्त तुम्हारे शोहर को फोन करके बताऊंगी तुम्हारे बारे में। अभी तो उसने तुम्हें घर से ही निकाला है, फिर तुम्हारे साथ क्या करेगा अच्छी तरह जानती हो तुम। ये गैरत लोग। मेरी मीटिंग कैंसिल कर दो। सवेरा, बात हुई तुम्हारी शिक्षक से? जी मैम। और उस्मान? उस्मान ने मेरा फोन अटेंड नहीं किया। ये काम कैसे होगा सवेरा? आप फिक्र मत करें मैम, मैंने शफक को आमादा कर लिया है। सही, कमाल शफक के हवाले से शक में, और उस शक को तुमने यकीन में बदलना सवेरा। जी मैम, मैं कर लूंगी। ये काम तुम्हें आज ही करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं आ रही शफक से दोबारा बात करती हूँ। नहीं, मेरे ख्याल से तुम्हें उसके घर जाना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। जी मैम, ठीक है। लो, दानिश को मुझे दे दो और ड्राइवर के साथ चली जाओ। जी मैम। क्या हो गया?
आप क्यों रो रही हैं? सब ठीक हो जाएगा ना, कुछ भी सही नहीं होने वाला। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सारा मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप ऐसे क्यों सोच रही हैं? आप तो पॉजिटिव सोचती हैं ना। सवेरा से बात हुई थी, वो कह रही है उस घर में मेरे तलाक की बात चल रही है। कमाल मुझे बहुत जल्द तलाक भेजने वाले। मैं क्या करूंगी सारा? मैं अपने बच्चे से कैसे मिलूंगी? अभी आपके बच्चे से कोई जुदा नहीं कर सकता। तुम सबाहत को नहीं जानती, वो मेरे बच्चे पर काबिज होने की तैयारी कर चुकी है। क्या मतलब? सबाहत ने मुझसे शादी से पहले ब्लैंक पेपर पे साइन करवाया था। क्या? लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी वजह से सारा, तुम्हें शायद ब्लैकमेल कर रहा था। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं क्या करती? मैंने सबाहत से पैसे लेकर पैसे दिए थे शायान को। आपने मेरी भलाई के लिए अपने साथ इतना बुरा क्यों कर लिया? अब आप बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं कर सकती, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ तुम मेरे लिए दुआ करो, वरना और कुछ नहीं हो सकता। मुसीबत है क्या? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? मैं ठीक, आप बताएं कैसे? अल्लाह का शुक्र, बैठो बैठो। बैठो, कैसे आना हुआ? नताशा ने फोन करके बुलाया है क्या? अरे नहीं नहीं अम्मी, इसने नहीं बुलाया। असल में मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा इससे मिलता चलूं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया तुमने। वो नताशा भाई आया है, इसके लिए खाने वाने का इंतजाम करो। अरे नहीं नहीं अम्मी जी, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे घर पहुंचना है। अरे ऐसे कैसे जाओगे? कुछ देर रुको, बहन से बातें बातें करना। जाओ नताशा, भाई के लिए शरबत बना के लाओ। जी। और बताओ बेटा, घर में सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। नौरीन तो ठीक थी ना? जी अम्मी जी, बिल्कुल ठीक है। अरे तुम तो शामी कबाब बहुत शौक से खाते हो ना मेरे हाथ के। मैं नताशा से कहती हूँ तुम्हारे लिए भी तल के लाती। अम्मी जी ठंडे के साथ आने दो, पहले शामी को आप खाऊंगा फिर ठंडा पी लूंगा। नताशा, तुमने अपने भाई को कुछ बताया तो नहीं? अम्मी आपको भाई ने बताया ना, वो यहाँ से गुजर रहे थे फिर घर आ गए। अच्छा, अब तुम्हारा भाई आया है ना, उसे इस घर की कोई बात मत बताना। मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे और उस्मान के दरमियान जो चल रहा है वो उसे मत बताना। क्यों? क्यों नहीं बताऊं मैं अपने भाई को? इसलिए कि मैंने इस मसले का हल निकाल लिया है। मैं शफक के घर गई थी। सच में? हाँ, और शफक और उसकी माँ को इतनी बातें सुना कर आई हूँ ना कि वो याद रखेगी। और मैंने उसे ये भी कहा कि अगर आईंदा मेरे बेटे को फोन किया तो जान से मार दूंगी। देखो नताशा, मैं सब तुम्हारे लिए करके आई हूँ, वरना मैं तो मर जाती, उस घर में कदम भी ना रखती। और अगर तुम्हारे भाई को कुछ भी पता चला ना तो फिर मसला खराब हो जाएगा, तुम्हारे लिए भी और मेरी बेटी के लिए भी। समझ गई ना? अम्मी आप बेफिक्र रहें, मैं भाई को कुछ नहीं बताऊंगी। अच्छा वो फ्रिज में कबाब पड़े हैं ना, वो कबाब तल लो, मैं हसीब से कहकर आई हूँ। अभी बना के लाती हूँ मैं, आप जाएं। मुझे पता है इनको सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र। तो
तुम्हारी बहन का आमला का कुछ ज्यादा खराब हो गया खत्म? नहीं सोनिया, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके दरअसल अपने हस्बैंड से झगड़ा हो चुका है। जिस तरह वो रो रही थी, मुझे तो लगा मामला काफी खराब हो गए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ अपनी अम्मी से दोबारा मिलवाने कब लेके जा रहे हो? ऐसे करो अपनी बहन का मसला हल करो पहले, फिर मुझे ले जाना। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? सुनो देखो गुर्रम, मैं तुमसे साफ बात करूं, मैंने सारी जिंदगी तंगदस्ती में ही देखी। इन्हीं हालात ने मुझे क्रिमिनल माइंड बना दिया है। पॉकेट मारना शुरू की, चोरियां की, और जो कुछ तुम्हारे साथ किया वो तो तुम्हारे सामने है। शादी के बाद भी ऐसे हालात देखूं, ये बात मुझे गवारा नहीं है, और ना ही मेरी बहन को ये बात गवारा होगी। तुम कहना क्या चाहती हो सोनिया? देखो जब तुमने मुझसे शादी की बात की थी तो मैंने यही सोचा था कि तुम इस घर के अकेले मालिक होगे, इस घर में तुम्हारी वालदा होंगी, तुम होगे बस, क्योंकि तुम्हारी बहनों की तो शादी हो गई है। लेकिन अगर तुम्हारी बहन के मामलात और खराब होते हैं तो जाहिर है कि वो तुम्हारे साथ ही रहेगी, फिर तुम्हारी जिम्मेदारियां डबल हो जाएंगी। खुर्रम शायद शायद नहीं, यकीनन डबल हो जाएंगी। उसके खर्चे भी तुम ही उठाओगे फिर, और ऐसी तंगदस्ती में गुजारा नहीं करूंगी मैं। सोनिया मैं तुम्हारा लाइफस्टाइल डाउन नहीं होने दूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा ना यार। खुर्रम कोशिश करने में और गारंटी देने में बहुत फर्क होता है। ठीक है तुम्हें शक है मेरी मोहब्बत? ऐसा नहीं है खुर्रम, लेकिन अगर हालात मुनासिब ना हो तो मोहब्बत की पासवानी कोई नहीं करता। तुम अपनी बहन को छोड़कर मुझे शॉपिंग पर नहीं लेके जाओगे, ये बात मुझे ज्यादा अच्छे से पता है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। सही कह रही है। तो तुम ऐसा करो कि पहले अपनी बहन को घर जाने दो, उसके बाद शादी की बात करना, उससे पहले नहीं। अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। क्या चाहिए? क्या मतलब? कोई भी गिफ्ट जो तुम्हें चाहिए हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है, गिफ्ट तो बनता है तुम्हारा। हाँ लेकिन मेरे पास तो सब कुछ है। कोई भी ऐसी चीज जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, जो तुम्हें पसंद हो। अगर मैं आपसे एक चीज मांगूं तो आप देंगे? तुम बताओ ना तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें गाड़ी चाहिए, गोल्ड का सेट चाहिए, कुछ और? नहीं नहीं ये सब चीजों की ख्वाहिश नहीं है मुझे। नहीं तो फिर बताओ ना क्या चाहिए तुम्हें। वो मैं चाहती हूँ कि आप दोनों बीवियों में इंसाफ करें। देखिए किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, ना मेरे साथ और ना सपाहत के साथ भी। बस इतनी सी बात मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तुमसे वादा करता हूं ऐसा ही होगा। पक्का वादा? पक्का वादा। हेलो
क्या? क्या हुआ शफक, सब खैर तो है? मुझे इतनी उजलत में क्यों बुला लिया? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी उस्मान। यकीनन तुम्हें नताशा की शिकायत करनी है। नहीं, मैं उसकी शिकायत क्यों करूंगी? उसने जो किया सही किया। अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती उस्मान। बिल्कुल ठीक नहीं किया उसने। उस्मान प्लीज, तुम उसे कुछ मत कहना। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी का भी घर खराब हो। फिर मुझे क्यों बुलाया तुमने? उस्मान, कमाल के घर वालों का एतबार मुझसे उठ चुका है। मैं उन्हें कुछ भी कहूंगी वो मुझे किसी बात का यकीन नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा मैं झूठ बोल रही हूँ। इसीलिए सवेरा ने मुझे कहा कि सवेरा से कोई भी मशवरा मत लिया कर। मुझे वो तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं लगती। क्या बोल रहे हो तुम उस्मान? चंदी तो लोग हैं मेरी जिंदगी में जो मुझसे मुखलिस हैं। तुम उन पर भी शक कर रहे हो? इस तरह तो मैं तन्हा रह जाऊंगी। खैर, मैं तुमसे बस ये कहना चाहती थी कि तुम कमाल के पास जाके उनसे माफी मांग लो। इससे क्या होगा शफा? वो मेरा एतबार कर लेंगे। तुम कह देना कि तुम ही मेरे पीछे पड़े हुए थे, फोर्स कर रहे थे मुझे कि मैं तुमसे बात करूं। प्लीज उस्मान, मेरा घर बच जाएगा। तुम करोगे ना ये? प्लीज उस्मान, मेरी खातिर। मुझे अंदाजा है कि तुम्हें मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन उस्मान प्लीज मेरे खातिर ये कर लो। ठीक है। मैं तुमसे ये कह रही थी कि कमाल, आप यहां? सबहत सही कहती थी तुम्हारे बारे में। तुम्हें धोखेबाज लड़की। बस एक और लफ्ज, अब मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। कमाल, आयुके बताएं मुझे क्या हुआ है कमाल? मैं बहुत बेवकूफ था सुबह। मेरी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था और मुझे एहसास तक नहीं हुआ। किसकी बात कर रहे हैं? शफक। मैंने उसे और उस्मान को मिलते हुए देखा। माय गॉड, सच कह रहे हैं आप? कहाँ मिल रही थी उसे? रेस्टोरेंट। सोची तो आपको यकीन आ गया होगा ना कि वो आपको धोखा दे रही है। जी, अब आ गया मुझे यकीन। तो कमाल, अब आगे क्या करना होगा?
आप लॉयर से कह के डिवोर्स के पेपर रेडी करवा। जी मैं करवाती हूँ। और ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। मैं आज ही करवा देती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही है? नहीं बस थक गई। पानी लाऊं? नहीं, अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने। कोई मुझे तंग ना करे।